आप देख रहे हैं भदैनी मिरर के खास समाचार। वाराणसी बीएचयू के भगत सिंह छात्र मोर्चा के छात्रों ने छात्रा के साथ छेड़खानी के विरोध में सेंट्रल ऑफिस पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कैंपस में यौन हिंसा से मजबूती से निपटने की मांग करते हुए कहा कि कैंपस में महिला सुरक्षा में हर रोज लापरवाही होती रहती है, क्या इससे निपटने के लिए विश्वविद्यालय के पास कोई उपकरण नहीं है। उन्होंने विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने की मांग की है। कहा कि बीएचयू की रैंकिंग शिक्षा में तीसरी हो मगर महिला सुरक्षा के नाम पर अब भी बहुत पिछड़ा है। एमए की छात्रा से छेड़खानी के एक आरोपी को भले ही गिरफ्तार कर लिया गया हो मगर हमारा आंदोलन कैंपस में आए दिन हो रही सभी यौन हिंसा की घटनाओं को खत्म करने के लिए है। छात्रों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही त्रिवेणी हॉस्टल की एक लड़की के साथ तीन लड़कों ने करीब आधे घंटे तक छेड़छाड़ की और उसके दोस्त को भी पीटा। इससे विश्वविद्यालय में रहने वाले छात्राओं और उनके परिजनों के बीच डर बैठ गया है कि कहीं अगला नंबर उनका ही ना हो। इस घटना पर प्रोक्टोरियल बोर्ड बेहद ढीला और असंवेदनशील रवैया देखने को मिला। इसके साथ ही छात्राओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि विश्वविद्यालय ने सुरक्षा को देखते हुए आवश्यक कदम नहीं उठाया तो हम सभी 2017 वाले आंदोलन से भी बड़ा विरोध करने को मजबूर होंगे। साथ ही छात्राओं ने कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर वीके शुक्ला को संबोधित एक ज्ञापन भी अधिकारियों को सौंपा। बीएचयू प्रशासन को चेतावनी देने में पूजा, शुभम, राधिका, योगेश, चंदन, अभिषेक, आकांक्षा, इप्सिता, कमल, राकेश, सुमित, खेता, अवनीश आदि शामिल रहे। वाराणसी में श्रवण पूर्णिमा पर बाबा काशी विश्वनाथ के झूलोत्सव की पूर्व संध्या पर बाबा की कजरी का आयोजन टेढ़ी नीम स्थित महंत आवास पर किया गया। कजरी से पहले बाबा की पंचबंधन प्रतिमा का पारंपरिक रूप से श्रृंगार किया गया। पद्म विभूषण गिरिजा देवी के प्रशिष से रोहित राहुल मिश्रा के शिष्यों द्वारा बाबा के कजरी और बाबा के भजन गाए गए। गायन करने वालों में आराधना मिश्रा, पूजा राय, अथर्व मिश्रा, तरुण सिंह, सत्यम पटेल, सूरज प्रसाद शामिल रहे। अगले दिन श्रावण पूर्णिमा पर मंदिर की स्थापना काल से चली आ रही लोक परंपरा के अंतर्गत बाबा को माता पार्वती और भगवान गणेश के साथ झूले पर विराजमान कराया जाएगा। महंत आवास पर बाबा विश्वनाथ की रजत पंचवदन प्रतिमा का विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन किया जाएगा। पूजनोपरांत मंदिर के अर्चक और महंत परिवार के सदस्य बाबा की पंचबदन प्रतिमा को सिंहासन पर विराजमान करके टेढ़ी नीम से साक्षी विनायक, ढूंढीराज, गणेश, अन्नपूर्णा मंदिर होते हुए विश्वनाथ मंदिर तक ले जाएंगे। इस दौरान बाबा का विग्रह श्वेत वस्त्र से ढका रहेगा। मंदिर पहुंचने के बाद बाबा की पंचबदन प्रतिमा को माता पार्वती और गणेश के साथ पारंपरिक झूले पर विराजमान कराया जाएगा। दीक्षित मंदिर से पूजा के बाद सर्वप्रथम महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी बाबा को झूला झुलाएंगे। इसके उपरांत सप्तऋषि आरती कराने वाले महंत परिवार के सदस्य बाबा को झूला झुलाएंगे। बाबा के झूले की डोर थामने की आज्ञा सिर्फ उन्हीं भक्तों को होगी जो बिना सिला हुआ वस्त्र धारण किए रहेंगे। कुलपति तिवारी ने बताया कि विश्वनाथ मंदिर के लिए सायं 4:30 से 5:15 बजे तक विधान पूर्वक पूजन किया जाएगा। इस दौरान शहर के कई गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है। इनमें जन प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। भदैनी मिरर की खबरों को आगे देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।